काफ़ी कंफर्टेबल है ये, इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, और जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं इसको। कभी कभी मन करे तो एक ही सुन सकते हैं। तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HP के इस हेडफोन्स के बारे में, जिसका नाम है, मुझे ये हेडफोन मिले थे लगभग 650 रुपये में। इस हेडफोन्स में एक अच्छा सा ऑक्स केबल है गाइस, जो कि डिसेंट सा है, और इसमें एक माइक भी है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, और ऐसा फील आता है कि काफ़ी सही है। सामने वाले को गाइस इसमें काफ़ी अच्छे से ऑडियो जाता है हमारा, अगर हम सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाला अच्छे से सुन पाता है और हम भी अच्छे से सुन पाते हैं। और ये जो हेडफोन्स है काफ़ी सही है, मतलब इसकी प्राइस के लिए तो काफ़ी सही है। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि इसमें हो कि इसकी ये जो वायर है वो मैं चाहता था कि थोड़ी सी मोटी हो, क्योंकि ये जो जैसे मेरा नेचर है या फिर मेजॉरिटी लोगों का नेचर होता है, और आजकल जितने स्ट्रांग वायर्स आते हैं उतनी ये स्ट्रांग नहीं है। बट गाइज यहाँ पे जो है, जहाँ से वो लोग ने वायर को जॉइंट किया हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, और एक लॉक मैकेनिज़्म जैसा यहाँ पर लगा दिया है। सो मुझे लगता नहीं है ये अंदर तो चली जाती है, बट बाहर आने के टाइम थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अच्छे से वो लोगों ने HP का ब्रांडिंग किया हुआ है, और यहाँ पे भी किया हुआ है। ये हेडफोन्स में म्यूज़िक सुनने के लिए तो मुझे काफ़ी डिसेंट सा लगा, मतलब बेस भी काफ़ी डिसेंट सा है और म्यूज़िक की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट सी है। और ये जो माइक है, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इस हेडफोन्स का ये माइक ही लगा है गाइस, क्योंकि यार ये माइक ऐसा लगता है जैसे यार काफ़ी सही माइक लगता है मुझे ये, क्योंकि सामने वाले को जब मैं खुद भी रिकॉर्ड करके देखा, अपना आवाज़ सुन के देखा, तो मुझे भी काफ़ी सही लग रहा है। और इस पर एक कुशन भी वो लोग ने दिया हुआ है जो हम निकाल सकते हैं, बट ट्राई करो कि इसको घुमाओ ना, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से दिया होगा। माइक का क्वालिटी भी काफ़ी सही है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसके माइक की क्वालिटी। तो ये देखिए गाइस, ये माइक भी काफ़ी सही है, और ये काफ़ी टफ़ है, मतलब इसको दबाने पे भी ये दबरा नहीं है। ये भी काफ़ी सही है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है ये। ओवरऑल ये जो हेड बैंड है ये भी काफ़ी अच्छा स्टर्डी क्वालिटी का है, और काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बनाया हुआ है। ये पूरा हेडफोन बेसिकली प्लास्टिक है मेरे हिसाब से, और डिसेंट सा हेडफोन्स है गाइस, मतलब 600-700 रुपये के लिए तो ये डिसेंट है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने ये कॉल लिया था क्योंकि मुझे ब्लूटूथ के हेडफोन्स नहीं लेने थे, मुझे वायर पसंद है पता नहीं क्यों, इसीलिए मैंने ये लिया था कॉलिंग करने के लिए। तो जब से मैंने इसके ऊपर कॉलिंग करना स्टार्ट किया है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है कॉलिंग करने के लिए, और लोगों को भी काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छे से कॉल सेंटर में हूँ और लोग भी अच्छे से सुन पाते हैं। अगर बात करें इसके बारे में, जो कि जॉइंट है जहाँ से ये माइक कनेक्टेड है, वो भी काफ़ी डिसेंट है। ये पूरा शायद से नीचे नहीं जाता, पूरा नीचे नहीं जाता गाइस, लेकिन ये पूरा ऊपर आ जाता है, और ये पूरा घूमता भी है, उल्टा भी घूम जाएगा शायद से। तो इसका अच्छी बात यह है कि आप इसको उल्टा भी करके पहन सकते हो बोर होने पर, और कभी कभी इसे सीधा करके भी आप पहन सकते हो। तो गाइस इसकी ये जो जॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो इन जनरल या फिर ओवरऑल मैं इस हेडफोन्स को काफ़ी अच्छी रेटिंग्स दूंगा गाइस, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये चले यार। इसको लेके मुझे हार्डली 2 हफ्ते हुए हैं, अभी तक तो ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। एक और इसकी प्रॉब्लम है, या फिर वो मेरी कान की प्रॉब्लम है, वो मुझे नहीं पता कि इसको जब मैं कान में यूज़ करता हूँ, लगा के रखता हूँ जब कान में एक्सटेंडेड टाइम के लिए गाइस, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा मेरे कानों में थोड़ा सा दर्द देने लग जाता है एक्सटेंडेड पीरियड में। बट आई फील हेडफोन्स निकाल देने चाहिए बीच में। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस ये कैसे है। तो ये हेडफोन्स को गाइस मैंने पहन लिया है, और इसको पहन लेने के बाद मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ इस हेडफोन्स के साथ, और काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है। और ये देखिए काफ़ी कम्फर्टेबल है ये,
इसको ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं, और जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं। इसको कभी कभी मन करे तो एक ही सुन सकते हैं, कभी मन करे तो ऐसे ही सुन सकते हैं या ऐसे सुन सकते हैं। इसका ये जो माइक है वो काफ़ी सही है गाइस, इसको हमारे हिसाब से हम लोग ट्यून कर सकते हैं। जैसे हम बातें करते हैं, चाहिए तो ज़्यादा पास ला सकते हैं, चाहिए तो दूर रख सकते हैं, या फिर अगर चाहिए नहीं कि सिर्फ अभी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर सिर्फ अभी गाने सुनने हैं तो हम इसको उल्टा रह के ऊपर ऐसे अटका भी सकते हैं गाइस। तो भी एक बार चेक करते हैं कि इसका माइक अगर हम लोग अपने कैमरा के हेडफोन जैक में डाल देंगे तो इसका आवाज़ कैसे आएगा। सो गाइस ये अभी मेरा ऑडियो है जो बेसिक है और मैं अभी इसके अंदर ये बस डालने ही वाला हूँ गाइस। सो गाइस हाय, मैं अभी जस्ट इसका ऑक्स मेरे कैमरा के माइक वाले जैक में डाल चुका हूँ और यहाँ से शायद से आपको कोई अलग आवाज़ आ रही होगी या फिर क्लियर आ रही है, मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसके अंदर डाला हुआ है। तो क्या ये एक व्लॉगिंग माइक की तरह अच्छा है, ये मुझे नहीं पता। मतलब यार कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन चीज़ें क्या है वो पता नहीं। सो गाइस मुझे बताइए कि ये हेडफोन्स पहनने के बाद और माइक में लगाने के बाद क्या इसका आवाज़ बेटर आ रहा है या फिर इसको निकाल देने के बाद आवाज़ बेटर आ रहा है। देखिए गाइस अभी मैंने उसमें से हेडफोन्स का जैक जो है वो निकाल दिया है और अभी मैं सिर्फ कैमरा के ऑडियो से बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक बार फिर से इसमें डालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए गाइस अभी 1 2 3 मैंने अभी ये माइक डाल दिया है और ये माइक से आवाज़ आ रही है। तो गाइस यार इन जनरल ये हेडफोन्स काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छी फील देते हैं हमें, और मुझे तो ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपको भी अच्छे लग रहे तो ये हेडफोन्स ले लीजिए और बताइए आपको ये हेडफोन्स अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ कुछ वीडियो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, लेकिन शायद मैं नहीं दूंगा। तो आप ढूंढ लोगे यार, स्मार्ट हो गए हो आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो। चलो गाइस टेक केयर, अलविदा। उस मैं आपको बताना भूल गया कि उस हेडफोन्स के साथ ये भी आता है जो कि है एक, अगर आप चाहते हो कि आप गेमिंग खेलने के टाइम या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम उसके माइक को पीसी के अंदर यूज़ करें तो इसके अंदर आप उसका ऑक्स डाल सकते हो गाइस, और ये दो में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक से आप सुन पाएंगे और एक जो कंप्यूटर के इंटरफेस के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आप इसको एनेबल कर सकते हो। तो गाइस ये भी उसके अंदर मिलता है, तो आप ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है गाइज़।